नमस्कार, मैं हूँ साधना। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मुझे देवभूमि हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वहाँ श्री गीता कुटीर में मैंने संतों के दर्शन किए और मुझे बहुत ही आनंद आया। वैसे तो मैं पहली बार संतों के दर्शन नहीं कर रही थी, किंतु बहुत दिनों बाद मैंने संतों के दर्शन किए, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद आया। जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। यहाँ पर हरिद्वार के तपस्वी संत रोज शाम के समय भोजन ग्रहण करने आते हैं। भंडार गृह के सामने ही संतों के लिए भोजन बिल्कुल तैयार रखा है, क्योंकि यह समय संतों के भोजन करने का है। लगभग शाम के 5:30 बजे का समय है। जब संत लोग भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ भी होता है, लेकिन इस समय आप लोग पूरा श्रवण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15वें अध्याय का पूरा पाठ इस वीडियो में नहीं है। अब आप लोग हमारे गुरुदेव जी की आवाज़ सुनेंगे। भोजन ग्रहण करने के पश्चात सभी तपस्वी संत अपने अपने स्थान को वापस जा रहे हैं। श्री गीता कुटीर में संतों के दर्शन करने के पश्चात मैं और मेरी सिस्टर्स श्री काली माता मंदिर में काली माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि हरिद्वार के भीमगोड़ा में स्थित है। इस समय लगभग 7:30 बजे का समय है। क्योंकि लगभग 7:30 बजे का समय है तो थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है। हरिद्वार में मेरा ये शॉर्ट विजिट था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ खास शूट नहीं कर पाई। शाम का समय है तो शाम का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और आगे जाने पर भीड़ देखने को मिलेगी। अब हम लोग काली माता जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं। माँ के दर्शन के लिए अब चल पड़ते हैं। मैं आई हूँ हरिद्वार भीमगोड़ा, और यहाँ पर काली माता का मंदिर है, और वही काली माता के मंदिर के दर्शन करने जा रही हूँ मैं अभी इस वक्त। तो बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। देवभूमि है तो यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है, क्योंकि तीर्थ स्थान है। काली माता के मंदिर जा रही हूँ, तो बस पहुँचने ही वाली हूँ काली माता मंदिर। मैं और मेरी सिस्टर्स मंदिर पहुंच चुके हैं। आप लोग हरिद्वार भीमगोड़ा में प्राचीन श्री माँ काली मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर का दर्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। जिस समय हम लोग माँ काली के दर्शन के लिए पहुंचे, उस समय आरती हो रही थी, तो हमें इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि लगभग 8:15 बजे के करीब हमें काली माता जी के दर्शन हुए। आरती खत्म होने के बाद यह लगभग रात के 9 बजे का समय है, जब हम लोग काली माता मंदिर से वापस आ रहे हैं काली माता जी के दर्शन करके। तो आप लोग रास्ते का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये
ये हरिद्वार का खूबसूरत नज़ारा है। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात को हम लोग हरिद्वार में श्री गीता कुटीर में ठहरते हैं और अगले ही दिन सुबह दिल्ली आ जाते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।